नमस्कार, 24 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। इसमें तमाम सियासी खबरों से चलिए आपको रूबरू कराते हैं और INS 24/7 की नजर दिन भर इन सियासी खबरों पर आज बनी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय नेताओं के दौरे तेज हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मंडला और कटनी में आज जनसभा आयोजित होने जा रही है, जिसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह मंडला के रपटा घाट पर मां नर्मदा के दर्शन कर पूजा अर्चना भी करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आदिवासी वोटरों पर फोकस है और प्रदेश में इस वक्त अगर हम देखें तो 22% आदिवासी वोटर है। मंडला लोकसभा में राहुल गांधी के दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली करने जा रहे हैं। तो मिशन एमपी पर अमित शाह मंडला के रपटा घाट पर सबसे पहले दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी लखन भांडे, मंडला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन, क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं, किस तरह का मंच बनाया गया है, कितने लोग आज पहुंचेंगे जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे? लखन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम, आ रही है। हेलो लखन, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से हम लखन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन आपको बता दें मंडला में आज पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और मंडला में अगर हम बताएं आपको तो बीजेपी के प्रत्याशी है फग्गन सिंह कुलस्ते वर्सेस ओमकार सिंह मरकाम, और इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। और ऐसे में बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो दिग्गज हैं उनका पहुंचने का जो सिलसिला है मध्य प्रदेश में वो शुरू हो चुका है, और इसी कड़ी में आदिवासी वोटर्स पर बीजेपी की खास तौर से पैनी नजर है। तो कान्हा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय फॉसिल्स पार्क से देश विदेश में अपनी पहचान अगर कोई बनाता है तो वो मंडला है। और यही वजह है कि मिशन एमपी पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह। एक बार फिर से हमारे साथ लखन जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लखन, क्या तस्वीरें, कितने बजे पहुंचेंगे अमित शाह और क्या तैयारियां हैं? हम सबके नेता विरोध मित्र जी को बनाए और हम सबको अपने संबोधन बना देंगे। लखन, तकनीकी कारणों की वजह से एक बार फिर से आपसे हम ठीक से आवाज आपकी नहीं सुन पा रहे, लेकिन बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के रण में गरजने के लिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए मंच की तस्वीरें, सभा की तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये चुनावी दौरा होने जा रहा है। आदिवासी वोटर्स पर बीजेपी की खास तौर से नजर है। ओमकार सिंह मरकाम और फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच सीधी तौर पर यहां पर टक्कर दिखाई देगी। तो 10 साल बाद एक बार फिर से दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। चुनावी दौर की जो वार्ता है, एक तरह से कह सकते हैं उसका संबोधन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा। चुनावी रोचक है, संभावना दोनों के बीच किसकी प्रबल है फिलहाल तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस का लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद गढ़ रहा, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह से यहां पर हावी होती हुई दिख रही है। तो 1996 से अब तक भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बड़ा आदिवासी चेहरा यहां माने जाते हैं, और यही वजह है कि आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद एक बार फिर से तमाम जब दिग्गज यहां पर पहुंचेंगे तो उनका खास तौर से फोकस यही है। लेकिन 6 बार सांसद बन चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जीत कई बार दर्ज कर चुके हैं। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला है, रोचक मुकाबला है। और हालांकि 2009 की बात की जाए तो समय जरूर कांग्रेस के उम्मीदवार बसोरी सिंह मसराम से उन्हें पराजय
मिली थी, लेकिन एक बार फिर से कह सकते हैं कि बीजेपी हमेशा से यहां पर बढ़त बनाती रही है। भले ही विधानसभा चुनाव में निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते जीत नहीं पाए, लेकिन फिलहाल इस बार क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते वर्सेस ओमकार सिंह मरकाम, जो ओमकार सिंह मरकाम जो डिंडोरी से लगातार चार बार से विधायक रहे। तो चुनावी काफी रोचक है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है। जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भानतलैया स्थित बड़ी खेरमाई मंदिर में आज दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इसके अलावा मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है, कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश की सभी सीटें हारेगी, छिंदवाड़ा में रोज कमलनाथ के सहयोगी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय। तो बड़ी खेरमाई में दर्शन करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे और जमकर निशाना भी साधा कांग्रेस पर। देश के यशस्वी गृह मंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है, माननीय मोदी में ये माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप से हम मंडला सहित उनके पूरे दौर में मोदी जी के लिए चुनाव अभियान के लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं और मध्य प्रदेश की जनता 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत है। मेरी अपनी ओर से खासकर चुनाव के आखिरी दौर में यह समय पहुंच रहा है, हम सब कामना करें हमारी 29 की 29 सीट माननीय मोदी जी को समर्पित करेंगे। निश्चित जो मैं लगातार घूम रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है, पूरा प्रदेश भी माननीय मोदी में हो चुका है, भाजपा में हो चुका है। कांग्रेस अब की बार यहाँ से सभी सीटें हारने की तरफ बढ़ रही है। छिंदवाड़ा मैंने कहा कि जब सभी सीटें हार रहे हैं तो एकमात्र सीट 2019 में बची थी 23 में, जिसमें हमको लग रहा है कि अब हम अपनी सारी सीटों की तरफ जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि वर्तमान के दौर में निराशा का माहौल बना हुआ कांग्रेस के अंदर, और छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आगामी चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का भी दौरा शुरू होने जा रहा है। 13 अप्रैल को जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बस्तर से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे, तो वहीं 20 अप्रैल को प्रियंका गांधी राजनांदगांव और कांकेर में सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महासमुंद और जांजगीर का चुनावी दौरा करेंगे। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का दौरा भी शुरू होने जा रहा है। शंखनाद एक बार फिर से बस्तर और कांकेर में चुनावी जनसभाएं आयोजित होंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम स्टार प्रचारक दौरा शुरू करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल को बस्तर आएंगे राहुल गांधी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी महासमुंद और जांजगीर का चुनावी दौरा करेंगे। प्रियंका गांधी 20 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। तो राजनांदगांव और कांकेर में हुंकार भरने की तैयारी है कांग्रेस की, चुनावी शंखनाद कांग्रेस करने जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद हो चुका है, जब पीएम ने दौरा किया था बस्तर में। और छत्तीसगढ़ में चुनावी रण में बयानों के तीर बड़े चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडियो में स्ट्रीट डॉग दिखा, जिसके बाद कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, एक कहावत का जिक्र हुआ और ये लिखा गया
कि ऐसी ही हालत कांग्रेस के खेमे में है। दरअसल हुआ यह है कि चरणदास महंत के बाद अब कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर अब भाजपा में उबाल दिख रहा है। अब तो कवासी ने भाषा की मर्यादा ही तोड़ दी है। प्रधानमंत्री, वो कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, कुछ इस तरह के हालात कांग्रेसी खेमों में दिख रही है। लोगों ने इनको विधायक सांसद बनाया, मंत्री बने, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल कवासी लखमा और चरणदास महंत के बीच जोर आजमाई शुरू हो गई है कि ज्यादा बदतमीज कौन है। वैसे तो यह सब कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति ही है। अब तो कवासी ने भाषा की मर्यादा ही तोड़ दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विवादित टिप्पणी की है। उसने गोंडी में कहा कि कवासी लखमा जी तोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़। इसका हिंदी में मतलब है कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी खेल खत्म। राम राम। जब पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ मारो सारे। पहले पुलिस को तीर धनुष से मारो कहकर गांव वालों को उकसाया। इससे पहले कहा कि कोई पैसा शराब देने आए तो रख लो, 4 जून को मेरे जीतने के बाद पीकर सड़क में नाचना। कांग्रेसी है कि सुधरते नहीं और जनता है कि इन्हें वोट नहीं देती। इस बार फिर जनता कह रही है, अब की बार 400 पार। देश में फिर एक बार मोदी सरकार। वो कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। तो सुना आपने, ये वीडियो सामने आया है बीजेपी की तरफ से, ये वीडियो आया है जिसमें कहा गया है कि संस्कार संस्कृति किस तरह की है कांग्रेस की, वो दर्शा रही है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। कुत्ते की भी तस्वीरें डाली गई हैं। तीर धनुष का जो बयान था वो आपने सुना होगा, कवासी लखमाए कहते हुए नजर आए थे कि पुलिस वाले को तीर धनुष से मारो, पैसा शराब देने कोई आए तो सड़क पर नाचना, और ये उम्मीद करना कि कवासी लखमा जीत चुका है। चरणदास महंत का भी बयान, हालांकि उन्होंने माफी जरूर मांग ली थी, लेकिन अब बीजेपी इस पर आक्रामक हो गई है और एक वीडियो यानी कि एक मीम वायरल हुआ। और देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या बातें कहना, निश्चित रूप से सोच समझकर कहना चाहिए। पर इस है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, और यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, हार के डर से बौखलाई हुई है, और इसलिए इस प्रकार के उल जलूल बयान वो दे रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी भाषा ऐसे शब्दों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में ऐसे नेताओं को जरूर सबक सिखाएगी। साव का भी आपने बयान सुना कि उलझुल बयान देने से पीछे नहीं हट रही है कांग्रेस, जनता स्वीकार नहीं करेगी इस तरह की बातचीत। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर आपने सुना किस तरह से जारी है। इस दौरान कई नेता भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हाल ही में कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान से हमने आपको रूबरू कराया कि प्रदेश की सियासत इससे तेज हो चुकी है, वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस नेता लगातार शब्दों की मर्यादा तोड़कर बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, स्पष्टीकरण भी देते हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी। सुनिए क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में लगातार सियासी वार पलटवार का दौर जारी है और कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा जो है वो भी भंग हो रही। पहले कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की, अपशब्द कहे, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही। इस वक्त उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ है। जिस तरह से कांग्रेस ने बयान दिए, महंत जी का बयान आया, लखमा जी का बयान आया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने लगातार इस बात को कहा है कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता का अपमान है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। राजनेताओं को शब्दों की मर्यादा पूरी तरह से पालन करना चाहिए और देश के सबसे लोकप्रिय नेता
जो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसे नेता के लिए किन शब्दों का किस भाषा में बात करना चाहिए, ये शब्दों की मर्यादा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शब्दों की मर्यादा और सुचिता का पालन करती है और कांग्रेस के लोगों से ये अपेक्षा है, पर वो बाज नहीं आते हैं, लगातार करते हैं। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, बार बार हो रहा है, इसलिए ये आदत में शुमार है, अब ये उनके संस्कार हैं ऐसा लगता है। इसीलिए कहा जा रहा है क्या कि कुत्ते की पूछ सीधी नहीं होती। आज एक वीडियो भी सामने आया बीजेपी छत्तीसगढ़ का, इसमें सीधी टिप्पणी की गई है और सीधी तुलना की गई कुत्ते से। देखिए मैं क्या कहता हूं कि बार बार ये कहना, बार बार अब शब्दों का इस्तेमाल करना और स्पष्टीकरण देना, ये कितना उचित है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी बातों पर स्वीकार नहीं करती है, छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से इसका जवाब देगी। लेकिन अब महंत जी ने हाथ जोड़ लिया, महंत जी कह रहे हैं कि अब वो कुछ नहीं कहेंगे, तो ये क्या आप लोगों के बयानों की वजह से क्यों महंत जी को कहना पड़ा? देखिए महंत जी को समझ में आ गया है कि अब कोरबा से उनकी छुट्टी होने वाली है, कोरबा की जनता उनके बयानों से आहत हुई है, नाराज है, और इसलिए ये बात उन्हें समझ में आई तो इस प्रकार कह रहे हैं। लेकिन तीर तो कमान तो तीर तो निकल चुका है कमान से, कमान से तीर निकल चुका है। ये आप सीधे सुन रहे थे डिप्टी सीएम अरुण साव को, जो खासतौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करती। कैमरामैन बलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, -247 रायपुर। इधर रायपुर से अहम खबर, जहां भाजपा ने कुत्ते से भी कांग्रेस नेताओं की तुलना कर दी और इस पूरे मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा का भी बयान सामने आया। जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो वैसी ही बात करता है। राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग तो करना नहीं चाहिए, राजनीति में इतनी वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। पहले राजनीति में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब कटुता बढ़ गई है। और क्या कुछ का सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी करके कांग्रेस की तुलना, कांग्रेस के नेताओं की तुलना सीधे कुत्ते से कर दी। कैसे देखते हैं, राजनीति में सुशासन और सुचिता की बात होती थी, इस तरह की राजनीति को कैसे देखते हैं? ये राजनीति में जितनी गिरावट अभी वर्तमान में आई उतनी कभी हमने देखी नहीं। ये स्तरहीन बातें कर लोग करने लग गए हैं, इससे आपस में कटुता बढ़ती है, आपस में वैमनस्यता होती है। ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए, ये संस्कारों की बात है। जिसके संस्कार अच्छे हैं वो कभी ऐसी बात नहीं करते, जिसके संस्कार ठीक नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही वीडियो जारी किया, तो क्या भाजपा के संस्कार अच्छे नहीं? मैं भाजपा के संस्कार अच्छे हुए या ना मैं नहीं कहता, लेकिन जो भी आदमी अविवेकपूर्ण बात करता है उसके वो संस्कारहीन व्यक्ति। ये जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, खासतौर पर चुनाव के पहले कटुता और बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक वो भी वक्त था जब एक विरोधी एक दूसरे के साथ बैठे खाना खाते थे, एक साथ घूमते थे, अब विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपस का प्रेम कम नहीं होता था। आज की राजनीति में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई, प्रेम में कमी आ गई, पहले जैसी बात नहीं रही, ये दुर्भाग्य की बात है। वातावरण ठीक हो, अच्छी शब्दों का उपयोग करें, शैली अच्छी हो, एक दूसरे का सम्मान करें, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन स्तरहीन बातें नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ। आपकी बात तो सब सुनते हैं, भाजपा वाले भी सुनते हैं, कांग्रेस वाले भी, आप समझाते क्यों नहीं? देखिए किसको समझाएं, आदमी समझने के लायक हो तो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझने सोच के लिए तैयार नहीं उसको क्या करेंगे समझा करके। फिर भी मैं कोशिश करूंगा लोगों से बात करके कि वैमनस्यता न हो, सम्मानजनक ढंग से सब लोग बात करें। सम्मानजनक ढंग से बात होनी चाहिए और राजनीति में वैमनस्यता की भाव नहीं होना चाहिए, सत्यनारायण शर्मा इस बात को कहते हुए नजर आते। कैमरामैन बलकित सिंह के साथ गौरव शर्मा, -247 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी चल रही और एक और बयान अब आपको बता देते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया, ISI और पाकिस्तान से कांग्रेस की उन्होंने तुलना कर दी। पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस, कांग्रेस में कद बढ़ाने की होड़ मची है, कांग्रेस को चुनाव में कुछ भी फायदा नहीं होगा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुत्ते भी वफादार होते हैं।
चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी जंग चल रही है और एक दूसरे के ऊपर जो है लगातार वार प्रतिवार हो रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया है जिसमें पहले कुत्ते को दिखाया जा रहा है, उसके बाद जो कांग्रेस नेताओं को दिखाया जा रहा है। अभी हमारे साथ वन मंत्री केदार कश्यप है, सीधे उनसे जुड़ लेते हैं। लगातार सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है, आप लोगों ने एक पोस्ट किया है, क्या कांग्रेस की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं? हम कांग्रेस की तुलना कुत्ते से नहीं कर रहे, क्योंकि कुत्ता भी वफादार होता है। कांग्रेस की स्थिति तो कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है, और जो स्थिति कांग्रेस पार्टी के उनके नेताओं ने लेकर के आई है वो पूरे देश भर के लोगों को मालूम है, और आज उसी के कारण कांग्रेस के नेता उलझुल बयान जारी कर रहे हैं। कभी कांग्रेस के विधायक के मंच में खड़े होकर के राजनांदगांव में सरजू वो बीजेपी के नेताओं को काटने की बात करते हैं, और कभी कवासी लकमा मोदी जी को मारने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं से इनकी जो भाषा है ये आतंकवादियों के साथ जो समकक्ष दिखाई देती है, आईएसआई के साथ में खड़े दिखाई देते हैं। इनकी भाषा कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों की भाषा के रूप में दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी भी वही चाहते हैं कि मोदी जी के होने के बाद हम इस देश पे कब्जा करें, तो ये इनकी मानसिकता है, और इस मानसिकता को हमारे प्रदेश के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे उस परिणाम में दिखेगा कि कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका होगा। काफी सौम्य नेता के तौर पर जाने जाते हैं चरण दास महंत, चाहे और एकदम सरल छवि के माने जाते हैं लखमा, दोनों के खिलाफ एक एक FIR हो चुकी है, इसके बावजूद उनकी जो जुबानी जंग है वह लगातार जारी है, क्या कारण मान रहे हैं? क्या अपने आप को एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस में? कांग्रेस में होड़ मची हुई है, और उनको मालूम है कि वो उनकी हार सुनिश्चित है, और अपनी हार से बौखलाए हैं, और हार होने के बावजूद भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका जो कद है वो कद बढ़े, और इसलिए वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर उलझुल टिप्पणियां कर रहे हैं। जनता ने पूरी तरीके से तय कर दिया है कि ऐसे बदजुबान लोगों को, ऐसे जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता को जिस तरीके से गालियां दे रहे हैं उसको लेकर के लोगों में भारी आक्रोश है, और वो आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये जुबानी जंग लड़ रहे हैं। और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो ये स्पष्ट हो चुका होगा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के साथ में पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। मंत्री केदार कश्यप, जिनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भाजपा कहीं ना कहीं जो है 400 से अधिक सीटें लोकसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाएगी। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो आपने सुना वन मंत्री का बयान, और अब इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24x7 पर। और हमने देखा कि आचार संहिता जब लगी तो मजाकिया अंदाज में कवासी लखमा का एक बयान सामने आया, लेकिन अब देखते देखते अगर हम बात करें तो लगातार महन जी का भी बयान सामने आया, फिर वो माफी मांग लेते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, और अब बीजेपी का आज हैंडल से एक बयान सामने आया जिसमें कुत्ता प्रेम दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती और कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुत्तों के बीच में ज्यादा अच्छा रहना होता होगा, कुत्तों की भाषा उनको ज्यादा समझ में आती होगी और कुत्तों के प्रति उनका ज्यादा प्रेम होगा। अगर वो इंसानों के बीच रहते, किसानों के बीच रहते, नौजवानों के बीच रहते, माता बहनों के बीच रहते, तो माता बहनों की उनको चिंता होती तो भारतीय जनता पार्टी को असल में प्रदेश में ये बताने की स्थिति में नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में क्या काम किया है, इसलिए इस प्रकार से उलझुल पोस्टर जारी करके सिर्फ अपनी फजीहत भारतीय जनता पार्टी के नेता करा रहे हैं। कांग्रेस तो सीधा सवाल पूछ रही है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के किसानों के लिए क्या किया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा था, उनके फसल की कीमत देने का वादा था, युवाओं को रोजगार देने का वादा था, 15-15 लाख लोगों को खाते में देने का वादा था, 30-35 लीटर पेट्रोल डीजल का वादा था,
तो ये चीजें पूछ रही, हम जब सवाल पूछते हैं तो इनका जवाब देने के बजाय ये कुत्ता की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, कमजान की बात करेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, आपका भी स्वागत है INH 24/7 पर। नवीन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार पीएम मोदी की टिप्पणी से लेकर ये बयान अब इस नतीजे तक पहुंच गया है, कुत्ते तक पहुंच गया, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, कुत्ते वफादार होते हैं, इस तरह के बयान। नवीन जी, तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा यही है कि वो अच्छे शब्दों को कभी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो संस्कार विहीन लोग हैं और इसके कारण से उलूल जुलूल बातें चुनाव के समय ये कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा किए हैं, गरीबी उन्मूलन का काम किए हैं, गरीब तक के उनके पहुंचने का काम किए हैं, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से हो, चाहे आवास बनाने के माध्यम से हो, चाहे शौचालय बनाने के माध्यम से हो, चाहे अन्न देने की बातें हो या अन्य डेवलपमेंट। इस तरह से देखते हैं, आज बीजेपी संगठन की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुत्ते दिखाए गए और कवासी लकमा का बयान है और महंत जी का भी इसमें बयान है, और कुत्ते दिखाना, ये क्या दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो कहावत है ना, ये कहावत है कि कहावत ये है कि भाई जब आप अपना व्यवहार को वैसी रखोगे जिसमें आप सुधरने का नाम नहीं लोगे तो स्वाभाविक है फिर आपकी संज्ञा वहीं से होगी। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान देना है कि आपको अपना व्यवहार सुधारना है। सर फोड़ने की बातें कह रहे हैं, मर जाने की बातें कह रहे हैं धनंजय जी, नवीन जी कह रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर कुत्ता काटे तो कुत्ता को काट लो। बड़ी मानसिक रूप से विकलांगता की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं हो रहा है, अगर इसको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेता गहराई से समझेंगे तो भाई अगर एक इंसानों के बीच रहते तो इनको इंसानों की भाषा समझ में आती। अब ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि भाजपा के नेता कुत्तों के बीच में रहता, कहना उचित नहीं होगा, ये राजनीतिक मर्यादा के विपरीत रहेगा, तो मैं ये बातें नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, अगर ये कांग्रेस के कोई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो बिल्कुल मर्यादा कौन लांघ रहा है और क्या कुछ होता है इस विषय में और जनता क्या कुछ फैसला लेती है आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, धनंजय जी, बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस में कद बढ़ाने की ओर मची है बनमंत्री का बयान। और अब इस बीच रायपुर से अहम बड़ी और खबर आपको बता देते हैं। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में एसीबी का छापा, करीब 20 ठिकानों पर एसीबी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाला मामले को लेकर दबिश दी गई है। आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां ईओडब्ल्यू एसीबी की गिरफ्त में अरुण पति त्रिपाठी जमानत मिलने के बाद से अंडरग्राउंड चल रहे थे। अरुण पति त्रिपाठी, ईओडब्ल्यू एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मनोज नायक, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। मनोज, पूरी खबर शराब घोटाले मामले को लेकर। जी, का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की कमान संभालने के बाद आईपीएस अमरेश मिश्रा ने लगातार जो है तमाम मामलों की विवेचना की थी। इसके बाद अपनी टीमें गठित की थी और इस मामले को लेकर पहले कोर्ट से अनुमति ली गई, आरोपियों से पूछताछ की तैयारी की गई और इसी बीच जो है अरुण पति त्रिपाठी को भी खोजा जा रहा था, जो कि आबकारी विभाग के विशेष सचिव रह चुके हैं और वे इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी ईडी ने की थी। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इसके बाद जो है करीब 8 से 9 महीने वे जेल में रहे और इसके बाद हाई कोर्ट से जब जमानत मिली तो जमानत मिलने के बाद से वे फरार चल रहे थे। जब ईओडब्ल्यू और एसीबी ने केस दर्ज किया तो उनके बयान के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी उनकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन अरुण पति त्रिपाठी नहीं मिल रहे थे। अब जाकर जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जब शराब घोटाले मामले को दर्ज किया था और इसके बाद जब सर्च वारंट लेकर कोर्ट से सर्च वारंट की अनुमति ली थी और कार्रवाई शुरू की थी, तो उस सर्च वारंट में ईओडब्ल्यू और एसीबी के हाथ पूरी तरीके से खाली रहे। पूरे छापेमार कार्रवाई में करीब 13 स्थानों पर छापे की कार्रवाई की गई थी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा था, जिसके बाद जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन जैसे ही एसीबी और ईओडब्ल्यू के चीफ बदले गए और इसकी कमान अमरेश मिश्रा को मिली, उसके बाद जो है एक गोपनीय रणनीति तैयार की गई, टीम तैयार की गई, उसके बाद जो है लगातार शराब घोटाले मामले में
पहले तो पूछताछ शुरू की गई जेल में जाकर, उसके बाद है इस मामले में शराब घोटाले के किंग पिन कहे जाने वाले अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अरविंद सिंह की गिरफ्तारी हुई, और अब जाकर जो है पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की भी गिरफ्तारी हो गई, और इनसे अब नए सिरे से जो है पूछताछ की जाएगी। पहले तो अरुणपति त्रिपाठी को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी भी रिमांड मांगी जाएगी, जिस प्रकार से अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड मांगी गई थी और उनसे पूछताछ चल रही थी, इन दोनों की रिमांड कल समाप्त होने जा रही है, और अब जो है अरुणपति त्रिपाठी को भी ईओडब्ल्यू और एसीबी रिमांड पर लेगा। इससे पहले आपको बता दूं कि आज सुबह भी जो है करीब 12 से 15 स्थानों पर जो है एक साथ जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने रेड की है, करीब शराब घोटाले मामले में यह रेड बताई जा रही है। बात करें कि शराब घोटाले मामले में जो आरोपी रह चुके हैं या जो आरोपी बनाए गए अधिकारी, करीब 70 से अधिक लोगों को नामजद किया गया। इसके अलावा जो है अब शराब घोटाले में जो जानकारियां सामने आ रही है, कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं, कुछ कारोबारी आ रहे हैं, कारोबारियों के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ हवाला कारोबारियों के नाम सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार आज सदर बाजार में एक कारोबारी के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है, उससे हवाला कारोबारी बताया जा रहा है, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उसे भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। महावीर नगर में एक कारोबारी का नाम सामने आया है, रवि बजाज, उसके यहाँ भी कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ईओडब्ल्यू ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है, सदर बाजार में यह कार्रवाई चल रही है। बात करें भिलाई दुर्ग की, तो भिलाई दुर्ग में पप्पू बंसल और विजय भाटिया के यहाँ यह कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो है राजनांदगांव में भी यह कार्रवाई चल रही है। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले के जो है पूरे जो परते थे उसे उधेड़ने के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक बड़ा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई के आधार पर ही, एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने एक नया ईसीआईआर दर्ज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि शराब घोटाले मामले में आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो शराब घोटाले में बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में और मिल सकता है। मनोज हमें बता रहे हैं कि 70 से ज्यादा ऐसे नामजद लोग हैं जिन पर अब पूछताछ होगी और गाज गिरने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो ईओडब्ल्यू एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी इसे क्या माना जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।